हरे कृष्णा राधे राधे जी। एक भक्ति कथा। एक बार एक महात्मा जी बीच बाजार में से कहीं जा रहे थे। वहीं पास के एक कोठे की छत पर एक वेश्या पान खा रही थी। अचानक उसने बेख्याली से उसने पान की पीक नीचे थूकी और वो पीक नीचे जा रहे महात्मा जी के ऊपर गिरी। महात्मा जी ने ऊपर देखा वेश्या की ओर तथा मुस्कुराकर आगे की ओर बढ़ गए। यह देखकर वेश्या को अपना अपमान समझ गुस्सा आया तो उसने वहीं पर बैठे अपने यार को कहा कि तुम्हारे होते कोई मुझे देखकर और मुस्कुरा रहा है और तुम यहाँ बैठे हो। इतना सुनकर उसके यार ने वहीं पड़ा डंडा उठाया और नीचे उतरकर आगे जा रहे महात्मा जी के सर पर जोर से दे मारा और वेश्या की तरफ देखकर मुस्कुराया, देखकर मैंने बदला ले लिया। तभी महात्मा जी ने अपना सर देखा जिसमें से खून निकल रहा था। तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले और मुस्कुरा दिए और वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उस वेश्या का यार मुस्कुराता हुआ वापस लौटने लगा। जब वो कोठे की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो सबसे ऊपर की सीढ़ी से उसके यार का पैर फिसला और वो सबसे नीचे आ गिरा और उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी। ये सब वो वेश्या देख रही थी और वो समझ गई कि वो महात्मा जी बहुत ही नाम जपने वाले और सच्चे हैं। वो नीचे आई और महात्मा जी के पास जाकर पैरों में गिरकर बोली कि महात्मा जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही आपके पीछे अपने यार को भेजा था, उसने ही आपके सर पर वार किया था, मुझे माफ़ कर दो। तो उन महात्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटे इस सारे झगड़े में तू और मैं कहाँ से आ गए, इसमें तुम्हारा और मेरा कोई दोष नहीं है, ये यार यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार से तुम्हारी बेइज्जती नहीं देखी गई और मेरा यार जो वो मुरली वाला कन्हैया है उससे मेरी तकलीफ़ नहीं देखी गई, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और तुम्हारा यार तो तुम्हारे पास कभी कभी ही आता है, कभी दिन में कभी रात में, मेरा यार हर वक्त मेरे साथ ही रहता है, इसलिए तुम भी उसी की शरण लो जो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहें, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। जय श्री राधे। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।